पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान वेटनरी विश्वविद्यालय में आज पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ सहित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, रतनलाल कटेरिया और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, चौधरी लक्ष्मी नारायण और जयप्रकाश कार्यक्रम में मौजूद रहे। 10:50 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही वेटनरी विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचे, तो उनके स्वागत के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। पीएम का वेटनरी कॉलेज में लगभग 2 घंटा 20 मिनट का कार्यक्रम रहा। लगभग 1:20 पर प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वेटनरी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान, स्वच्छता ही सेवा है जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं प्लास्टिक मुक्त अभियान का भी शखानंद किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मोदी जी ने अपने संबोधन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जन्मस्थली को प्रणाम किया और राधे राधे से संबोधन की शुरुआत की। अपनी जीत और जनता के सहयोग के लिए जनता के सामने शीश झुकाकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास श्री कृष्ण जैसा महारथी हमेशा से रहा है। कदम की डाल, गाय, चारण, दूध दही के बिना क्या गोपाल की तस्वीर पूरी हो सकती है? चाहे स्वच्छ भारत हो या फिर जल ही जीवन या फिर कोई भी योजना, बिना प्रकृति का संतुलन बनाए नहीं हो सकती। इसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए ब्रज भूमि से बेहतर स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। वहीं मंच से अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की दोगुनी आय करने के कार्यक्रम पर सरकार लगातार लगी हुई है। आज उसका शुभारंभ होना है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत भी आज होनी है। स्वच्छ भारत अभियान ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 40 सालों से मास्टिक ज्वर से लोग परेशान थे। गोरखपुर के क्या हालात थे आपको पता है। मास्टिक ज्वर से पहले भी भारी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। आज क्या स्थिति है, परिणाम आप सबके सामने हैं। स्वच्छ भारत अभियान में आयुष्मान भारत योजना को समाहित किया गया है। पशु निरोग अभियान से देश में एक नई दिशा मिलेगी। मोदी जी ने आज मंच से बटन दबाकर प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की है। बिहारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मथुरा वृंदावन की ब्रजभूमि है, जहां पर गोपालन के माध्यम से भारत की कृषि परंपरा को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ये शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्हें गोपाल नाम से भी पुकारा जाता है। गोपाल भगवान श्री कृष्ण की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री ने आज इस देश के अनेक कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए हम सब के बीच में सौभाग्य से उपस्थित हुए हैं। स्वच्छता ही सेवा, जैसे पूरे देश को न केवल स्वस्थ रहने और स्वच्छता के माध्यम से सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान की, इस कार्यक्रम के इस वर्ष के शुभारंभ का शुरुआत आज यहाँ पर मथुरा की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। आप सबको स्मरण होगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करने के बाद इस देश के किसानों के लिए योजनाएं घोषित की, उस समय लक्ष्य निर्धारित किया था कि किसानों की आय को दोगुना करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार कार्य करेगी। अनेक कार्यक्रम इस दौरान लागू हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सहायता कार्ड से लेकर के एमएसपी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक कार्यक्रम किसानों के हित में लागू हुए, तो किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका को आज रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय पशु आरोग्य मिशन को, रोग निवारण कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर प्रारंभ करने के आगे प्रधानमंत्री जी का आज प्रसन्न आज यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। उन्हें बताते हुए सुनता है
पीएम बताया, आज पीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था, कैसे कैसे क्या रहा है? बहुत बढ़िया काम हुआ। पशु पालन के विषय में यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे पशुओं का भी कैसा देखभाल करना है, उनकी समस्याएं क्या क्या है, उसके लिए भी निवारण करने की बात की। ऐसा शायद बहुत ही कोई होगा भी नहीं इस किस्म का एक प्रधानमंत्री जो पशुओं के लिए भी ध्यान रखते हैं, किसानों के लिए तो करते हैं बहुत सारे काम बताया, और जल के लिए भी, स्वच्छता के लिए भी उनका जो मिशन है वो जो करना चाहते हैं उसमें हम सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे मथुरा क्षेत्र में ही ये काम स्टार्ट किए, शुरुआत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।